हमें ओट्स बनाने के लिए गैस ऑन करनी होगी, पैन रखना होगा। ऑयल डालना होगा उस पे। हमने सारे वेजेस को पहले से काट रखा है, हमने दिखाया नहीं है। आपके अगर फ्रिज में जो भी वेजिटेबल्स होंगे आप वो काट सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। ओट्स ना बहुत हेल्दी होते हैं वैसे खाने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए। और यहाँ पे हम हरी मिर्च और प्याज डालेंगे, उसके बाद टमाटर डालेंगे, उसके बाद मटर डालेंगे, गोभी, गाजर, आपके पास और जितने बीन्स, कैप्सिकम या और वेजिटेबल्स हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नमक डालेंगे आपके हिसाब से, स्वाद अनुसार। थोड़ा सा हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं आप, कोरिएंडर और आप गोलमरीच का पाउडर भी डाल सकते हैं। आप थोड़ा सा उसको मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद 2 मिनट के लिए आप इसको ढक दीजिए। ढकने से क्या होगा कि आपका सब्जी थोड़ा मतलब जल्दी पक जाएगा, और लो फ्लेम में कीजिएगा। चुके हैं, अब इसमें हम मैं यहाँ पे छोटा कप ओट्स डालूंगी। आपके हिसाब से आप कितना डाल सकते हैं आप देख लीजिएगा। मैं छोटा छोटे कप, 1 कप ओट्स डाल दूंगी, और इसको ओट्स को सब वेजिटेबल्स के साथ थोड़ा मिक्स कर लेंगे हम लोग, इससे थोड़ा अच्छा लगता है। मिक्स करने के बाद जो हमने छोटे ग्लास में, जो छोटे कप में हमने जो छोटा कप ओट्स लिया था, उसी हिसाब से हम 4 ग्लास ओट्स डालेंगे, 4 कप छोटा कप। अगर आप बड़े कप डाल रहे हैं तो वैसे 2 कप डालेंगे। उसके बाद 5 मिनट के लिए ढक देंगे, देखते रहेंगे वो हुआ कि नहीं। उसको लो फ्लेम में कीजिएगा कि नीचे वो चिपके ना, नहीं तो अगर हाई फ्लेम में करेंगे तो नीचे चिपक जाएगा। बीच बीच में उसको देखते भी रहिएगा। देखिए हमारे ओट्स पक रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। ओट्स हम जो खाते हैं वो हमारा वेट लॉस करने में भी हेल्प करता है। एक बोल पे हम सर्व कर लेंगे।